जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। एनसीसी की एंट्री निकल चुकी है 5 जुलाई 2023 एंड ऑलमोस्ट 3 अगस्त 2023 15 आवर्स 3 बजे लास्ट डेट है। 55th कोर्स एनसीसी की एंट्री निकल चुकी है जो कि बैच अप्रैल 2024 में इंडक्ट होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट को जो निकली है, उसकी स्टार्टिंग डेट, उसकी लास्ट डेट आपको मैंने बता दी है, 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है 15 आवर्स एंड यहां पर 3 अगस्त 2023 15 आवर्स 3 बजे लास्ट है। ये आप दो ड्राइंग्स देख रहे हैं एनसीसी की माई जीओवी साइट से मैंने ये ली है। बहुत ही सुंदर ये ड्राइंग बनाई है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बट यस, बहुत सुंदर यहां पर ये ड्राइंग बनाई गई है। एंड एनसीसी की एंट्री के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डायरेक्ट एंट्री आती है, फाइनली वो वेट खत्म होती है एंड एनसीसी की स्पेशल एंट्री 55th कोर्स अप्रैल 2024 के लिए निकल चुकी है फॉर बोथ अनमैरिड मेल एंड फीमेल। आप सबको पता है दैट इज द शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट इज 10+4 14 ईयर्स तक आप यहां पर रह सकते हैं सर्विस के अंदर। एंड पहले यहां पर कुछ नाम्स को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट के बाद आप सबको पता है आपके पास एसएसबी आती है। एसएसबी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, स्टेज 1, उसके बाद स्क्रीनिंग, उसके बाद 4 दिन तक आपके यहां पर अलग अलग टेस्ट चलते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट चलता है आपका, इंटरव्यूइंग ऑफिसर चलता है आपका, इंटरव्यू होता है एंड फाइनली कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मेडिकल की तरफ लेके जाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये निकल चुकी है, कल ही निकली है 5 जुलाई को एंड इवन पीए की भी निकल चुकी है फॉर द एक्स सर्विसमैन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। एज कितनी चाहिए, 19 से 25 एज लिमिट है यहां पर, ठीक है। एज ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को आप इस एज में होने चाहिए। ये बहुत मैटर करता है डेट्स, बिकॉज डेट सीडीएस एनडीए में भी कई बार कंफ्यूजन ला देती है, पूरे साल बच्चा तैयारी करता रहता है एंड एट लास्ट यहां पर डेट्स के कारण प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट एट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, उसके हिसाब से ही यहां पर काउंट होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, आप सबको पता है यहां पर उनके लिए डायरेक्ट आता है। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, 50% आपको मार्क्स चाहिए। दो स्टडिंग इन द फाइनल ईयर आर ऑल्सो अलाउड, जो फाइनल ईयर में है वो भी अलाउड है यहां पर, प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स, प्रोवाइडेड उनके 50% मार्क्स चल रहे हों एग्रीगेट, वो भी इसमें अलाउड है। नाउ सर्विस इन द एनसीसी शुड हैव सर्व्ड ऑफ मिनिमम 2 or 3 years इन द सीनियर डिविजन और विंग ऑफ एनसीसी, एक नंबर वन यहां पर है। देन ग्रेडिंग शुड हैव ऑब्टेंड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड, बी ग्रेड आपको चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ एनसीसी। यहां पर आप सबको पता है एनसीसी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो यहां पर आपको मिनिमम बी ग्रेड चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, नाउ आप सबको पता है एनसीसी की जो एंट्रीज आती है उसमें थोड़ी नंबर ऑफ सीट्स कम होती है बिकॉज आपके पास डायरेक्ट एसएसबी आ रही है, अनलाइक सीडीएस एफकैट। ये एग्जामिनेशन क्या होते हैं, आपके पास पहले आप एग्जाम देते हो उसके बाद एसएसबी आती है। नाउ फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट प्रोड्यूस द डिग्री बाय 1 अप्रैल 2024, बिकॉज अप्रैल में ये आपके पास ये पूरा कोर्स जाएगा 55th कोर्स, तो 1 अप्रैल 2024 को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ही आप, नहीं तो अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। फॉर द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर्स, द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर्स इफ नॉट ऑलरेडी इज इन पोजिशन ऑफ प्रोविजनल डिग्री मस्ट सबमिट द पास प्रूफ ऑफ पासिंग द ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट बाय 1 अप्रैल 2024। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 अप्रैल 2024 को आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके, ऑल द फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2023 आर नॉट एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर बोल दी गई है, जिनके भी 1 अप्रैल 2023 के बाद हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब नंबर ऑफ सीट्स जिसके लिए फाइट होगी, यहां पर 50 सीट्स आई हैं यहां पर फॉर द मैन,
उसमें 45 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर द बैटल कैजुअलिटी, जो बैटल कैजुअलिटी है उनके लिए भी आई है ये, तो दैट मींस 45 + 5, ठीक है। उसके बाद एनसीसी वुमेन हरदम पता ही है, 5 ही रहती हैं, 4 इसमें जनरल कैटेगरी और 1 बैटल कैजुअलिटी के लिए हरदम रिजर्व्ड है। तो ये देख रहे हैं 50 + 5 55 आपके पास आ चुकी है। शॉर्ट सर्विस है मैंने आपको बताया, ठीक है, दैट इज फॉर द मेल एंड फीमेल। उसके बाद 14 साल की आपकी टर्म होती है शॉर्ट सर्विस, आप सबको पता है ओटीए चेन्नई आप जाते हो, 10 + 4 10 साल, उसके बाद 4 एक्सटेंशन। ऑल्दो अभी डिबेट्स भी चल रही हैं कुछ टाइम से कि आर्मी में मेजर और कैप्टन्स की बहुत कमी हो चुकी है, बट स्टिल आप देखते हो कि इंडियन आर्मी अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं करती है, स्टिल एसएसबी में जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम ही रहता है। ओके, पीरियड ऑफ प्रोबेशन कितना है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ही रिसीव्स हिज कमीशन, 6 मंथ का हो गया, ठीक है। एंड देन इसके बाद दिस इज वन इंपॉर्टेंट लाइन दैट द कैंडिडेट हु आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द ग्रांट ऑफ पीसी बट आर अदरवाइज कंसिडर्ड फिट विल बी गिवन टू कंटिन्यू एज एसएससीओ फॉर अ पीरियड ऑफ 14 इयर्स, 14 साल के लिए सर्व करने के लिए आपको दिया जाएगा, क्लियर। ओके, ट्रेनिंग, टोटल ट्रेनिंग 49 वीक्स की आपकी होगी, कहां पर होगी, ओटीए चेन्नई, ठीक है, आईएमए देहरादून आपको पता है परमानेंट कमीशन, ओटीए शॉर्ट सर्विस के लिए आप जाते हो, ये मोटी मोटी चीजें आपको इसमें पता हो। अब रैंक्स, जिन सितारों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वील स्टार्ट एज अ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट आप सबसे पहले बनोगे, 2 स्टार्स आपके कंधे पे होंगे, देन उसके बाद आप कैप्टन बनेंगे, देन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। अब यहां तक तो आप कंटिन्यू चल रहे हैं, उसके बाद आपके बोर्ड्स आ गए, ठीक है, कर्नल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारे के सारे आपके स्केल्स हैं, ये हम अलग से सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन वी हैव अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब अगर हम पे की बात कर लें कि सर पे, ठीक है देश की सेवा तो ही है, बट इसके साथ आपको पता है बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं। लेवल 10 से आप स्टार्ट करेंगे लेफ्टिनेंट, देन 10B कैप्टन, मेजर पे 11 पे आएंगे, ऐसे करते करते आप लेवल 18 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक आपको लेवल 18 पे आप आ जाएंगे। ओके, हाउ टू अप्लाई, आज ही आप क्या करिए, joinindianarmy.nic.in पे जाइए, वहां पर आपको 55th कोर्स एनसीसी के बाद यहां पर पूरा प्रॉपर एक आपको वेब मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड फॉर्म को भर दीजिए, बिकॉज जैसे जैसे डेट्स जाएंगी माइट भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है वेबसाइट पे, तो ये ना हो कि आपसे स्किप हो जाए, बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, नंबर 1 पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, एप्लीकेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग होगी, नंबर 1। सेकेंड, उसके बाद आपका एसएसबी आएगा, एसएसबी आपके सेंटर्स कहां कहां पर है अगर बात करें तो अलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, जलंधर, ये आपके एसएसबी के सेंटर्स हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज इज दिस एसएसबी, उसके बाद एसएसबी में आपको पता है 5 दिन का प्रोसीजर है, मेडिकल होगा आपका, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 55। सो एनसीसी की एंट्री आज ही भर दीजिए, निकल चुका है, कल ही फॉर्म निकला है 5 जुलाई 2023 को। सो आई होप जिन बच्चों के पास ये सी सर्टिफिकेट यहां पर बी ग्रेड वाला है वो सब इसके लिए बहुत रेडी रहे होंगे। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 या 4 स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी एनसीसी एंट्री के थ्रू अभी सर्व कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनको अपने कॉफी डिप्लोमेसी वाले सेशन में भी लाने की कोशिश करूंगा। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड, जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।